हेलो एवरीवन, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कर्व्स के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग आपको कर्व्स का थोड़ा सा डेफिनेशन बताए थे कि किस तरह से शोल्डर को अगर आप कैरिज वे से डिवाइड करते हैं तो उसमें आप कर्व्स का यूज करते हैं, या फिर आप जब मेडियंस को डिवाइड करते हैं कैरिज वे से तो वहां पे भी आप कर्व्स का यूज करते हैं। अब ये कर्व्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, तो कर्व्स का प्रॉपर डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ कर्व क्या होता है, कि तीन टाइप्स के या चार टाइप्स के कर्व्स होते हैं, तो वो आपको किस तरह से, कौन से कर्व का हाइट क्या होता है, हम लोग कौन सा कर्व कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सेम चीज जो हम आपको सारी मेडियंस के लिए भी कहते हैं, जो आपको कैरिज वे के लिए भी कहते हैं, वही आपको कर्व्स के लिए भी कहेंगे, कि ये आपको कर्व्स के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको किसी भी थ्योरी में या फिर ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। इससे बियॉन्ड आपको और कर्व्स का कोई भी ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। सारे इन्फॉर्मेशन IRC के रिकमेंडेशन सब इसमें ही दिए हुए हैं। अब सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि कर्व्स का डेफिनेशन क्या है। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कर्व को कहते हैं कि इट इज द बाउंड्री बिटवीन द कैरिज वे एंड शोल्डर, एंड ऑल्सो इट इज द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड मेडियंस। आप दोनों को एक साथ करके भी लिख सकते हैं कि ये आपका कर्व्स का डेफिनेशन है, कि या तो आपका कैरिज वे जो आपका मेन रोड होता है उसके और शोल्डर के बीच का अगर आपका जो बाउंड्री होता है वो भी कर्व होता है, और आपके मेडियंस और कैरिज वे के बीच में जो आप प्रोवाइड करते हैं वो भी आपका कर्व्स होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग कर्व्स प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो वो आपको कर्व्स के ना पर्पस के साथ डिफाइन होगा अलग अलग। अगर आप लो माउंटेबल कर्व यूज कर रहे हैं तो उसका पर्पस थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप सेमी बैरियर टाइप यूज कर रहे हैं तो उसका थोड़ा डिफरेंट है, और हाई बैरियर कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट है। तो अब कर्व्स को पहले हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो कर्व्स आपको 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आपको लो कर्व्स, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं माउंटेबल कर्व। माउंटेबल का मतलब होता है उसको किसी भी चीज को अचीव कर लेना, माउंटेबल कर्व है तो मतलब है कि इस कर्व को आप अपने व्हीकल से पार कर सकते हैं। तो ये आपको पहला है लो और माउंटेबल कर्व। सेकेंड है आपको सेमी बैरियर टाइप कर्व। सेमी बैरियर टाइप का पर्पस क्या होता है, कि इसका मतलब है कि आपको ये बैरियर है भी और नहीं भी, ये इसके नाम से ही आपको एक्चुअली इसके सारे डेफिनेशन जो है ये समझ में आ जाएंगे। थर्ड है आपको हाई स्पीड बैरियर कर्व। हाई स्पीड बैरियर का मतलब क्या होगा, कि व्हीकल आपको किसी भी केस में आपके कैरिज वे को छोड़ करके आपके शोल्डर्स पे नहीं जा सकता है, आपके फुटपाथ पे नहीं जा सकता है, तो ये है आपको हाई स्पीड का बैरियर कर्व। अब लो स्पीड बैरियर कर्व भी इसको कहते हैं, या इसको माउंटेबल कर्व कहते हैं। अब ये इसको क्लास 1 कर्व कहते हैं, इसको क्लास 2 कर्व कहते हैं, इसको क्लास 3 कर्व कहते हैं। इनके अलावा एक और कर्व होता है सबमर्ज कर्व, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये 3 जो है ये आपको बेसिक्स हैं। तो इसमें आपको लोअर जो आपको माउंटेबल कर्व होता है, इसमें क्या होता है कि आपका अगर शोल्डर पे जो आपका अगर फुटपाथ प्रोवाइडेड है और वो फुटपाथ आपको बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो और या फिर वो पार्किंग के केस में काम आता है, या फिर अगर आपको ये तो हो गया रोड के शोल्डर के साइड में। अगर आप मेडियन के साइड में बात करेंगे तो अगर आपके कैरिज वे और मेडियन के बीच में आपको अगर आपको कोई पर्पज नहीं है, उसमें कोई बैरियर्स नहीं है, आप चाहते हैं कि इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी आपकी व्हीकल एक साइड से दूसरे साइड में जा सके इजिली, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, लो माउंटेबल कर्व प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, इसका हाइट जो होता है वो 100 mm आपको रोड के सरफेस से अबोव होता है। तो 100 mm जो अबोव होता है तो ये आपको व्हीकल स्लो स्पीड करके इसको कवर किया जा सकता है, इसको माउंट किया जा सकता है। व्हीकल इसको क्रॉस कर जाएगी स्लो स्पीड पे, थोड़ा डिफिकल्टी होगा बट इसको क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंच जाएगी। ये अक्सर आप देखे होंगे जब आप किसी ट्रैफिक जैम्स में फंसे होते हैं, आपको दूसरे साइड का लेन खाली होता है, एक साइड से लेन पूरा पैक्ड होता है, तो आपका अगर कर्व लो माउंटेबल कर्व वहां पे रहेगा तो आप उसको क्रॉस करके अपने व्हीकल को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये है आपका लो और माउंटेबल कर्व। इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास 1 कर्व। इट्स मेन फंक्शन इज टू इनकरेज द व्हीकल टू रिमेन ऑन इट्स ओन लेन। अब इसका एक पर्पज तो ये था कि इमरजेंसी केसेस में आप दूसरे लेन में जा सकते हैं, दूसरी तरफ मेडियंस को क्रॉस करके। अब इसका एक और पर्पज क्या है, कि ये आपको एक गाइड प्रोवाइड करता है, कि जब आप एक व्हीकल को अपने एक लेन में मूव कर रहे हैं तो क्योंकि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, भले इसका हाइट 100 mm ही है, ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन आपको ये एक ऑब्स्ट्रक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है कि आपको दूसरे तरफ के साइड्स में नहीं जाना है, जो आपका वन वे है आप उस पे ही स्टिक करके अपने व्हीकल चलाएंगे, ये उसमें हेल्प करता है। क्यों, अगर वो बैरियर नहीं होता और अगर आपका सारा रोड शोल्डर्स एंड मार्जिन सारा अगर फ्लैट होता तो आपकी व्हीकल कभी रोड पे, कभी शोल्डर पे, कभी मार्जिन पे भी जा सकती है, कभी आपको फिर दूसरे तरफ भी जा सकती है।
तो ये चीज आपको हेल्प करता है लो माउंटेबल कर्व की, व्हीकल को अपने लेन में स्टिक रखता है। उसके बाद हाउएवर ड्राइवर कैन क्रॉस दीज टाइप्स ऑफ कर्व्स विथ लिटिल डिफिकल्टी, जो आपको जैसा डिस्कस किए थे कि अगर उसको क्रॉस करना हो पर्पजली इंटेंशनली अगर उसको क्रॉस करना हो तो वो थोड़े डिफिकल्टी के साथ उसको क्रॉस कर सकता है। उसके बाद इसका हाइट की मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज कर्व्स इज 100 mm। अब आपको लो माउंटेबल कर्व का शेप किस तरह का होता है इसके लिए हमको ये डेफिनेशन थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग लो माउंटेबल कर्व की बात करें तो ये आपको रोड सरफेस से ये आपका पेवमेंट है और ये आपका फुटपाथ है। ये है आपका लो स्पीड बैरियर कर्व जिसको हम लोग माउंटेबल कर्व भी कहते हैं। अब इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो एक तो ये कि ये 100 mm हाइट होगा, ठीक है, तो ये हम लोग उस जगह यूज करेंगे जहां पे हमारा रोड से हमारा फुटपाथ सिर्फ 100 mm राइज किया हुआ रहेगा। इसका स्लोप हम लोग एक तरह से स्लोप्ड रखते हैं, इससे क्या होता है कि जो अगर व्हीकल को अगर डिफिकल्टी के साथ भी क्रॉस करना है तो अगर हम लोग इसको एक शार्प एज दे देंगे कुछ इस टाइप का, अगर हम लोग रेक्टेंगुलर शेप बना देंगे तो ये आपके व्हीकल के टायर को हार्म करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप नहीं दे करके हम लोग इसको कर्व शेप देते हैं, या फिर एक और शेप हम लोग चूज करते हैं वो होता है हमारा इस तरह से। तो इसमें भी ये हाइट आपको 100 mm रहता है और ये आपको 50 mm रहता है और ये वाला आपको 50 mm रहता है, ये रिमेनिंग आपको 50 हो जाता है और ये बॉटम आपको 165 mm का रहता है। तो जब ये 50 है तो ये बचा हुआ आपको 115 mm हो जाता है। तो ये है आपको लो माउंटेबल कर्व का ज्योमेट्री। इस केस में भी ये 100 है, ये आपका 165 रहता है, अब बाकी ये स्लोप में मिलाया हुआ रहता है। तो ये है आपको लो माउंटेबल कर्व के दो शेप्स। इससे क्या होता है कि इसको भी अगर आप यूज करेंगे तो व्हीकल इजीली इस एज को और इस एज को नेगोशिएट करके उस पार आपके फुटपाथ पे या फिर आपके मीडियंस पे जा सकता है, और इस केस में भी व्हीकल आराम से स्लोप को कवर करके आपके शोल्डर्स पे जा सकता है। तो ये कई बार आपको पार्किंग जहाँ पे करने होते हैं रोड के साइड्स में और आपको वहां पे शोल्डर का अगर मार्जिन ज्यादा प्रोवाइडेड होता है और रोड में मार्जिन थोड़ा कम प्रोवाइडेड होता है तो ये आपको पार्किंग के लिए भी काम आता है कि व्हीकल का एक व्हील यहाँ पे होता है दूसरा व्हील आपको यहाँ पे होता है और इस तरह से व्हीकल पार्क कर दिए जाते हैं। तो ये सारा पर्पज आपको होता है लो माउंटेबल कर्व का। उसके बाद आता है आपको सेमी बैरियर टाइप कर्व। अब सेमी बैरियर टाइप कर्व का हाइट आपको जैसे लो माउंटेबल में 100 mm का होता है तो सेमी बैरियर वाले में यही हाइट आपको चेंज होकर के 150 mm हो जाता है। ये सारे आपको मैक्सिमम कंडीशन है, जैसे लो माउंटेबल कर्व आपको 100 से कम का हो सकता है लेकिन 100 से ज्यादा का नहीं हो सकता है। सेम उसी तरह आपको सेमी बैरियर टाइप कर्व में ये आपको सेमी बैरियर टाइप कर्व अब इसको क्या ये क्या होता है अब इसको हम लोग क्लास टू कर्व भी कहते हैं। जो लो माउंटेबल था वो क्लास वन था, सेमी बैरियर टाइप क्लास टू है। इट इज प्रोवाइडेड वेयर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। ये कब प्रोवाइड करते हैं, एक तो इसका हाइट होता है 150 mm, तो ये हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं जब हमारा ट्रैफिक इस पेडेस्ट्रियन का जो ट्रैफिक होता है जब इसमें फुटपाथ पे जो अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इस पे जो मूवमेंट होता है ये बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि सिटीज वगैरह में होता है। जब आप किसी ऑफिशियल एरिया में देखेंगे कि वहाँ ऑफिस से सारे लोग जो निकल के आपको फुटपाथ पे ट्रेवल करते हैं तो उस तरह के आपको सारे जगहों पे आप इस तरह का सेमी बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइड करते हैं। इसका पर्पज क्या होता है कि आपको ये इस
पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को आपको कोई भी व्हीकल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। ये 150 mm हाइट ये आपको अचीव करने व्हीकल को थोड़ा डिफिकल्टी होगा तो इस पे पेडेस्ट्रियन जो मूव कर रहे हैं ये थोड़ा सेफ रहेंगे, इनको इनफ टाइम मिल जाएगा इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट्स, वो आपको सेफर साइड में मूव कर जाएंगे। लेकिन इस टाइप के कर्व्स में आप व्हीकल को अचीव कर सकते हैं, इस हाइट को आप 150 mm को, और आप व्हीकल को इस फुटपाथ पे आप व्हीकल को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं कि आप वही स्लो स्पीड करके आप थोड़ी और डिफिकल्टी के साथ, जितना डिफिकल्टी आपको लो माउंटेबल कर्व में होता था उससे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी के साथ आप इमरजेंसी केसेस में, आप रेगुलर यूजर्स में इसमें आप व्हीकल नहीं पार्क करते हैं, लेकिन आप इमरजेंसी केसेस में जब किसी तरह का ट्रैफिक जाम्स हो या फिर कोई इस तरह का इमरजेंसी इश्यूज हो तो आप उसमें इस फुटपाथ के ऊपर आप इस हाइट को अचीव करके आ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है सेमी बैरियर टाइप। ये बैरियर है भी लेकिन आपको ये बैरियर नहीं भी है एक तरह से। तो इस तरह के सेमी बैरियर टाइप्स में आपको जो व्हीकल का मूवमेंट होता है वो ऑफिशियली ये इलीगल होता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ये लीगल हो जाता है। अगर आप इस पे व्हीकल मूव कर रहे हैं इस टाइप के कर्व पे फुटपाथ पे और अगर उस पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपको लॉफुली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस टाइप के परिस्थितियों, जब आपका सेमी बैरियर टाइप कर्व प्रोवाइडेड हो तो इसका मतलब है कि आपको फुटपाथ पे व्हीकल नहीं चलानी है, चाहे वो आपको टू व्हीलर्स हो चाहे आपको फोर व्हीलर्स हो, फिर आपको व्हीकल जो है वो आपको कैरिज वे पे ही चलानी है। अब इसका जो रेशियो होता है, जब हम लोग सेमी बैरियर टाइप की बात कर रहे हैं तो ये जो रेशियो होता है हाइट टू विथ का, ये आपको 1:1 का होता है। अब इसकी बेस तो 165 mm होती है, हाइट इसका 150 है, ये आपको 75 mm का प्रोवाइड होता है और ये भी आपको 75 mm का, क्योंकि इसका रेशियो 1:1 का होगा तो ये 75 तो ये 75, फिर आपको ये वाला लेंथ भी 75 mm का होता है और ये वाला जो है ये आपको 90 mm का होता है। तो ये है आपको सेमी बैरियर टाइप ऑफ कर्व्स का ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री आपको जब एग्जाम में अगर आपको कर्व्स पूछा जाता है तो उस केस में, अगर आपको जब टाइप्स ऑफ कर्व्स पूछा जाएगा तो आपको तीनों टाइप्स ऑफ कर्व्स में इस तरह ये ज्योमेट्री साथ में बनानी होगी। ये ज्योमेट्री क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम इसको एक एक करके साइड में बना रहे हैं, लेकिन आपको इन सारे डेफिनेशंस के साथ आपको सारे टाइप्स ऑफ कर्व्स का ज्योमेट्री के साथ शो करना पड़ेगा, तभी आप इसमें फुल मार्क्स ले पाएंगे, वरना फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा फुल। ठीक है, तो ये हो गया आपको सेमी बैरियर टाइप। इसमें आपको इट ऑल्सो प्रिवेंट्स व्हीकल टू पार्क एट फुटपाथ बट इट्स हाइट इज ऑल्सो डिजाइन दैट इन इमरजेंसी व्हीकल कैन क्लाइंब दीज कर्व्स। मतलब इसके हाइट इस तरह से डिजाइन किए हैं कि वैसे तो ये बैरियर है आपको, बट इमरजेंसी केसेस में आप व्हीकल्स को इस फुटपाथ पे ट्रेवल कर सकते हैं या फिर आप पार्क कर सकते हैं, इसलिए ये हाइट आपको 150 mm से ज्यादा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। 100 mm या अगर 200 mm प्रोवाइड कर देंगे तो वो आपको हाई स्पीड बैरियर कब हो जाएगा, फिर आप फुटपाथ पे ट्रेवल नहीं कर सकते अपने व्हीकल को, फिर आप उस पर क्लाइंब ही नहीं कर पाएंगे, फिर आपका व्हीकल का जो बेस का जो हाइट होता है वो आपको इतना प्रोवाइडेड नहीं होता है कि आप हाई स्पीड बैरियर कर्व्स को आप क्लाइंब कर सकेंगे, तो उस केस में आपका व्हीकल वैसे भी स्टक हो जाएगा और फिर वो एक एक्सीडेंट को इन्वाइट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट यहाँ लिखा हुआ है कि इज 150 mm। अब आते हैं हम लोग हाई स्पीड बैरियर कर्व्स में। हाई स्पीड बैरियर कर्व का हाइट 200 mm रखते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड हाइट है, और इसमें जो हम कर्व का शेप प्रोवाइड करते हैं ये कुछ इस तरह का, टोटल बॉटम से हम लोग स्लोप करके ये लाते हैं और इस तरह का हम लोग शेप प्रोवाइड करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाई स्पीड बैरियर कर्व। इसमें जो ये हम लोग रेशियो मेंटेन करते हैं, अगर हम इस हॉरिजॉन्टल टू इस वर्टिकल की बात करें तो 1:4 vertical, मतलब हमें अगर ये अगर हमारा 200 है तो हम अगर यहाँ 50 mm प्रोवाइड करेंगे ये वाला डिस्टेंस तो हमारा ये 200 प्रोवाइड होगा, तो 50 horizontal is to 200 vertical, तो ये आपको 1:4 का रेशियो हो गया। तो ये 1:4 का रेशियो हम लोग हाई स्पीड बैरियर कर्व में मेंटेन करते हैं। तो अब जब हमारा ये 165 होता है और इधर आप 50 प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये वाला 115 हो गया,
ये 50 हो गया और बाकी आपका टोटल 200 आपको इस तरह से स्लोप में आके मिलता है। तो इस तरह के आपको जो कर्व्स होते हैं ये आपको हिली रीजन में आपने देखा होगा कि जब आपका अगर आप हिल्स पे ट्रेवल कर रहे हैं तो एक तरफ आपका वैली होता है तो वहां आपको ये बैरियर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका व्हीकल इजिली टॉपल करके आपको वैली में ना चला जाए, रोड से आपको ऑफ रोड ना हो जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाई स्पीड बैरियर कर्व। प्लस इसको हम लोग और एक जगह यूज करते हैं जो हमारे सिटीज में, जो हमारे बड़े बड़ी सिटीज होते हैं उसमें जहाँ पे हमारा फुटपाथ के बगल से ही हमारा प्रॉपर्टी लाइन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारा एक किसी भी कॉलोनी के अंदर से एक मेन रोड क्रॉस कर रहा होता है या नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा होता है, तो वहां पे आपको ये अगर आपका रोड है और ये आपका अगर फुटपाथ है तो इस फुटपाथ के बगल से ही आपके यहाँ पे बिल्डिंग्स बने होते हैं, तो उन बिल्डिंग्स में रहने वालों का जितना भी मूवमेंट है वो इस फुटपाथ से ही होता है। तो इस केस में कोई भी व्हीकल इस फुटपाथ को क्रॉस ना करे ये इंश्योर करने के लिए हम लोग ये वाला जो हाइट होता है ये हम लोग 200 mm प्रोवाइड करते हैं। तो ये होते हैं आपको हाई स्पीड बैरियर कर्व, इसको हम लोग क्लास 3 कर्व भी कहते हैं। उसके बाद इट इज प्रोवाइडेड इन हैवी पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, ये हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जब फुटपाथ के ऊपर पेडेस्ट्रियन का जो ट्रैफिक है, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उन्हें हम लोग पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो है वो जब बहुत ज्यादा होता है फुटपाथ के ऊपर तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं 200 mm का कर्व। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन हिली रीजन टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स डाउन द हिल, हिल्स में आपको व्हीकल्स आपको गिर के खाई में ना चले जाएं, उसके लिए हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग ये आपको हाई माउंटेबल कर्व आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम हाइट होता है 200 mm अबव रोड लेवल। एक और चीज समझने की जरूरत है कि इन सारे कर्व्स में जो आपको टोटल हाइट होता है इनका बिलो द ग्राउंड से लेकर के अबव द ग्राउंड तक ये आपको होता है 350 mm। तो जिसमें आपको अगर हाई स्पीड वाले में 200 एमओ है तो 150 mm आपको ये बॉटम में होगा। सेम आपको फिर जब आप लो माउंटेबल यूज कर रहे थे तो 100 एमओ था तो 150 बिलो होगा। सेम आपको फिर इस केस में भी सेमी बैरियर में भी 150 एमओ था तो 150 बिलो होगा। तो हाई माउंटेबल के केस में इसका अगर हम लोग फुल हाइट की बात करें तो 350 mm हो जाता है, इसमें अगर हम लोग फुल हाइट की बात करें तो 300 mm हो जाता है, और इसमें अगर हम लोग फुल हाइट की बात करें तो ये आपको 250 mm हो जाता है, जिसमें से 100 आपको अबोव होता है ग्राउंड से, 150 आपको बिलो होता है ग्राउंड से। इस केस में भी 150 अबोव होता है ग्राउंड से, 150 बिलो होता है ग्राउंड से, और इस केस में आपको 200 अबोव होता है ग्राउंड से और 150 बिलो होता है ग्राउंड से। तो ये है आपको इसके सारे के डायमेंशंस। तो ये है आपको सारे कर्व्स का पर्पस और उनके सारे डायमेंशंस विद फिगर्स कि आपको किस तरह के कर्व्स कब प्रोवाइड करने हैं, कहाँ प्रोवाइड करने हैं, कर्व्स का पर्पस क्या है, आईआरसी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये सारे जो आपके डायमेंशंस है ये आपको आईआरसी स्पेसिफिकेशंस है, ये सारे जो आपको हाइट्स है ये आपको आईआरसी स्पेसिफिकेशंस है, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो। तो अब हो गया कर्व्स टॉपिक की बात, अब हम लोग और बहुत सारे टॉपिक्स की बात करेंगे कि एक रोड में आपको बहुत सारे टर्म्स और यूज होते हैं, जैसे शोल्डर हो गए, फुटपाथ हो गए और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, राइट ऑफ वे हो गए। तो ये सारी चीजें क्या होती है और इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रोड मार्जिन्स के बारे में। रोड मार्जिन्स क्या होते हैं, तो रोड के आपको बाकी सारे जो छोटे छोटे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपको शोल्डर्स हो गए, ड्राइवेज हो गए, पार्किंग लेन्स हो गए, फ्रंटेज रोड, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, गार्ड रेल एंड एम्बैंकमेंट स्लोप, ये सारे आपको रोड के मार्जिन्स हैं। जो आप ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं वो है आपको कैम्बर, वो है आपको कर्व्स, वो आपको मार्जिन्स है, साइड डिस्टेंसेस है, ये सारे आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हैं। और बाकी ये सारे जो है ये आपको रोड मार्जिन्स हैं, इनका आपको डिजाइन नहीं होता है बट इनके इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम एंड डिजायर्ड क्या इसके क्राइटेरियाज हैं और उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहला शोल्डर्स। अब शोल्डर्स अब बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि आप सारे लेक्चर्स में हम लोग अब तक शोल्डर्स के बारे में ही जान रहे थे कि जो हमारे रोड के साइड में जो हमारा स्पेस होता है, जो हमारा हार्ड सरफेस नहीं होता है, सेमी हार्ड सरफेस होता है, लेकिन वो इतना हार्ड होना चाहिए कि वो आपको एक हैवी व्हीकल का लोड इमरजेंसी केसेस में अपने ऊपर कैरी कर सके, ये आपके शोल्डर का मिनिमम क्राइटेरिया है। ये अगर नहीं होगा तो फिर शोल्डर वो आपको पर्पज ही नहीं होगा शोल्डर प्रोवाइड करने का। अगर वो व्हीकल के लोड से ही अगर वो आपको उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा या उसमें अगर सेटलमेंट आ जाएगा तो फिर आपको वो शोल्डर आपके रोड के में एड हेल्प करेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए आपके शोल्डर का मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो आपके एक हैवी व्हीकल जो उस रोड पे ट्रेवल कर रहे हो उसको फॉर सम टाइम एटलीस्ट वो उसको होल्ड कर सके।
इसके कुछ क्राइटेरिया है मिनिमम और डिजायर की, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद आपको ड्राइवेज, ड्राइवेज आपको किसी भी नेशनल हाईवेज में जो आपको फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि पेट्रोल पंप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर आपको किसी सिटी में जब आपको एंटर करना होता है नेशनल हाईवे अगर उसके आउटर से जा रहा होता है, तो उस केस में जो आपको रोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको उस फैसिलिटी तक पहुंचाते हैं, जैसे पेट्रोल पंप जाने के लिए हमारे रोड में आपको एक साइड से एक एक्स्ट्रा रोड दिखाई देता होगा जो आपको पेट्रोल पंप पे जाकर के एंड हो जाता है, तो उस तरह का रोड आपको कहलाता है ड्राइववेज। इसके बाद आता है आपको पार्किंग लेन। किसी भी रोड में मार्केट प्लेसेस में खास करके जब हमें जहाँ पे पार्किंग की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमारे व्हीकल्स को थोड़े इंटरवल के लिए स्टॉप करने का हमें मार्जिन देना पड़ता है, उस केस में हम लोग एक पार्किंग लेन प्रोवाइड करते हैं उस रोड में। पार्किंग लेन का जो मिनिमम विथ होता है वो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन पार्किंग लेन आपका एक रोड में, जैसा अगर आपका टू लेन एंड टू लेन फोर लेन रोड चल रहा है, तो उस टू लेन रोड में ही आपको थोड़ी दूर के लिए एक पार्किंग लेन भी उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा, तो वो आपको कहलाता है पार्किंग लेन। इसके बाद आता है फ्रंटेज रोड। जब आपने किसी प्रॉपर्टी, आपका ये एक रोड है, यह आपका मार्जिन मीडियन है, और यहाँ पे फिर दूसरा रोड है। अब इस रोड के प्रॉपर्टी लाइन एंड होने के बाद अगर आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज आ रही है, इस तरह का यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, तो इनके एक्सेस के लिए एक रोड प्रोवाइड किया जाता है। ये रोड आपको इस जितने भी प्रॉपर्टीज इस लाइन में आ रही है उनके एक्सेस के लिए होता है, बट यहाँ पे आपको बैरियर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको बैरियर्स है जिससे कि आप ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल यहाँ मूव कर रही है, तो आप इस वाले रोड को आप प्रॉपर्टी के जितने भी लोग हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, बट इसको आप नेशनल हाईवेज में जो आपके मेन रोड्स होंगे आप उसमें इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सेस करने के लिए बहुत इंटरवल्स पे, ज्यादा बड़े इंटरवल्स पे आपको एक एंट्री या एग्जिट एरिया प्रोवाइडेड होता है, जिससे कि आप इस रोड पे अगर आपका एक व्हीकल मूव कर रहा है जो कि इस प्रॉपर्टी के ओनर का है, तो ये आपको इसका तुरंत एक्सेस इसको हाईवेज को नहीं मिल जाएगा। ये आपको एक लंबे स्ट्रेच में 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर स्ट्रेच में आपको एक यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट दिया जाएगा जिससे आप हाईवे पे क्रॉस कर सकते हैं। फिर हाईवेज पे भी आपको एक सिंबल दिया जाएगा जिससे आपको पता रहेगा कि ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ आपको एक दूसरे रोड से इंटरसेक्शन हो रहा है, ताकि वो वहाँ पे अलर्ट हो जाए। तो ये वाला जो रोड होता है जो आपके प्रॉपर्टी ओनर को एक्सेस के लिए दिया जाता है, ये वाला रोड कहलाता है आपको फ्रंटेज रोड। ये फ्रंटेज रोड आपके नेशनल हाईवे के साथ साथ चल सकता है, इसकी लेंथ की कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होती है। बट ड्राइववेज और फ्रंटेज रोड में डिफरेंस यही होता है कि ड्राइववेज भी रोड के बगल में ही आपको पैरेलल में एक रोड प्रोवाइड किए जाते हैं, बट वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, वो सिर्फ किसी फैसिलिटीज तक पहुंचने के लिए, आपको रीच करने के लिए वो रोड प्रोवाइड किए जाते हैं। बट आपको जो फ्रंटेज रोड्स होते हैं ये आपको रोड के पैरेलल चल सकते हैं, जितने दूर आपको प्रॉपर्टी में लोग सिचुएटेड होंगे वो उतने लेंथ का हो सकता है। इसके बाद आता है आपको साइकिल ट्रैक। जिस सिटीज में, जिस रोड्स में आपको साइकिल ट्रैफिक ज्यादा होगा, साइकिल की मूवमेंट ज्यादा होगी, उस केस में आपको एक साइकिल ट्रैक अपने रोड के जो आपके मेन लेन्स होते हैं जिसमें आपके व्हीकल मूव करती है, उसमें आप उसके अलावा आप एक साइकिल ट्रैक प्रोवाइड करेंगे उस रोड पे। जिस तरह आप पार्किंग लेन प्रोवाइड करेंगे उसी तरह आप एक साइकिल ट्रैक भी प्रोवाइड करेंगे जहां आपको साइकिल की ट्रैफिक होगी। उसके बाद आता है फुटपाथ। हमारे शोल्डर्स के ऊपर में ही हम लोग फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारा पेडेस्ट्रियंस मूवमेंट ज्यादा होता है। उस फुटपाथ का भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है गार्ड रेल। गार्ड रेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब हमारे हाईवेज को हम लोग एम्बैंकमेंट में फिल करके बनाते हैं और उस फिल का हाइट 3 मीटर से अबोव होता है, तो 3 मीटर से अबोव में अगर आपको व्हीकल टॉपल करेगा तो वो डेंजरस हो जाएगा, इसके लिए हम लोग गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोग गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं आपको ब्रिजेस के इंटरसेक्शंस पे, फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसको कर्व्स पे भी, जहाँ पे अगर व्हीकल बहुत हाई स्पीड में है और अगर वो कर्व नेगोशिएट नहीं कर पाए तो फिर आपको गार्ड रेल उसको प्रिवेंट करता है रोड से बाहर जाने के लिए। इसके बाद आता है आपको एम्बैंकमेंट स्लोप। जो हम रोड को फिल करके बनाते हैं, इस फिल का जो आपको स्लोप होता है ये आपको कहलाता है एम्बैंकमेंट स्लोप। तो ये इसका भी आपको डिजायर्ड स्लोप होता है कि ये स्लोप आपको कितना प्रोवाइड करना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम लोग शोल्डर से बात करें तो शोल्डर के लिए डिजायर्ड विड्थ जो है वो 4.6 मीटर ईच साइड में है, लेकिन इनकेस अगर हम 4.6 मीटर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम हमें 2.5 मीटर आईआरसी रिकमेंड करता है कि ये वन ईच साइड में आपको शोल्डर्स प्रोवाइडेड होने चाहिए। अब 4.6 मीटर डिजायर्ड जो है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि जो अगर हमारा सबसे, अगर हम लोग ट्रक की बात करें तो ट्रक का जो विड्थ होता है ये अप्रॉक्स 2.85 मीटर के अप्रॉक्स होता है, ये 2.75 मीटर के अप्रॉक्स होता है।
तो अगर हम लोग 4.6 मीटर का एक ट्रक अगर हम लोग शोल्डर में पार्क कर रहे हैं तो 2.75 मीटर का वो ट्रक का विड्थ है, इसके बाद हमें एटलीस्ट 1.85 मीटर हमें गैप मिल जाता है, तब हमारा रोड स्टार्ट होता है। तो 4.6 में अगर हमारा ट्रक सबसे लेफ्ट साइड में शोल्डर के एंड से पार्क होगा तो भी हमें वो 1.8 मीटर का अप्रॉक्स आपको शोल्डर पे स्पेस अवेलेबल रहेगा, तो इससे आपका ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा। इसके बाद पार्किंग लेन की मिनिमम विड्थ आपको 3 मीटर्स देनी होती है। इसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि पैरेलल पार्किंग हम लोग करें। अब पैरेलल पार्किंग क्या होता है कि जैसे ये हमारा रोड है, अब इस रोड में हमारा ये अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो इस व्हीकल को हम लोग अगर रोड के साइड में ही इसी तरह से अगर हम लोग पार्क करने की फैसिलिटी दें तो ये कहलाता है पैरेलल पार्किंग। दूसरा होता है आपका एंगल पार्किंग कि जैसे ये आपका रोड है और इसमें अगर आप व्हीकल को कुछ इस तरह से एंगुलर शेप में आप 45 डिग्रीज में अगर आप पार्क करते हैं तो ये कहलाता है आपको एंगुलर पार्किंग। और थर्ड होता है आपको परपेंडिकुलर पार्किंग, जो आपको रोड के इस तरह से आप देखते हैं रोड के साइड में पार्किंग, और ये रोड व्हीकल का फ्रंट फेस होता है जो आपको रोड के तरफ ही होता है। तो ये काफी डेंजरस पार्किंग होता है, इसलिए इसको अवॉइड करके इस तरह के पार्किंग को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इससे आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसमें आप अगर दो व्हीकल एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह के पार्किंग में, तो इस तरह के पार्किंग में आप 4 व्हीकल्स एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की पार्किंग आपको फास्ट मूविंग जो ट्रैफिक वाला रोड होगा उसमें आपको इस तरह का पार्किंग जो है ये एक्सीडेंट को इनवाइट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें पैरेलल पार्किंग की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस पैरेलल पार्किंग के लिए हम लोग एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ व्हीकल्स और पार्किंग के किस तरह से हम लोग बाकी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं कि किस तरह के पार्किंग में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एडजस्ट हो सकते हैं, कितने उसके स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। अभी आपको समझने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आपके पार्किंग लेन में मिनिमम विड्थ जो है ये आपको 3 मीटर्स एटलीस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद साइकिल ट्रैक्स, अगर हम लोग सिंगल लेन प्रोवाइड कर रहे हैं साइकिल ट्रैक में तो 2 मीटर्स मिनिमम विड्थ, अगर हम लोग डबल लेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 मीटर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको साइकिल ट्रैक्स की IRC की रिकमेंडेशन है। फिर फुटपाथ की मिनिमम विड्थ आपको 1.5 मीटर, आपको किसी भी शोल्डर के ऊपर 1.5 मीटर एटलीस्ट आपको फुटपाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, और बाकी आप शोल्डर फिर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 1.5 से बियॉन्ड ये आपको एक्सीड कर सकता है। जैसे जैसे आपको जिस सिटीज में जिस पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसको 2 मीटर्स या 3 मीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो आपका शोल्डर का विड्थ होगा उस पूरे शोल्डर विड्थ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आपका आता है गार्ड रेल आप प्रोवाइड करते हैं हाईवे, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे आपका 3 मीटर से ज्यादा हाइट का एम्बैंकमेंट होता है वहां हम लोग गार्ड रेल हमारा कंपलसरी होता है। ऑप्शनल केसेस में आप 3 मीटर से कम के हाइट में भी आप गार्ड रेल प्रोवाइड कर सकते हैं, बट 3 मीटर से ज्यादा के हाइट का अगर हाईवे बना है या रोड बना है तो फिर उस केस में आपको एनी हाउ गार्ड रेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। लास्ट आता है आपका एम्बैंकमेंट स्लोप, जो डिजायर्ड स्लोप है ये हमारा होना चाहिए 1 vertical to 3 horizontal, मतलब कि आपका ये वाला हाइट अगर आप 1 मीटर अचीव कर रहे हैं तो उतने दूर में आपको 3 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, ये आपका स्लोप रहेगा इसका एम्बैंकमेंट स्लोप का, तो ये आपका डिजायर्ड होता है। इसमें आप जो आपकी सीनरीज के आपके जो वर्क होते हैं जिससे आप रोड के स्लोप को सीनरी बना सकते हैं, आप प्लांटेशन लगा सकते हैं, वो सारे आप इस पे कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये सॉइल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए आपका जो IRC रिकमेंड करता है वो डिजायर्ड होता है 1 vertical to 3 horizontal आपका एम्बैंकमेंट स्लोप। तो ये सारे हैं आपको रोड मार्जिन जो आपको याद होने चाहिए, ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इन पे और क्योंकि कुछ डिजाइन नहीं होता है, ये जो आप क्राइटेरियाज है अगर आपके साइकिल ट्रैक्स है पार्किंग लेना है आपने अगर 3 मीटर के लेस प्रोवाइड कर दिए तो सफिशियंट हो गया। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइड डिस्टेंसेस के बारे में कि साइड डिस्टेंसेस क्या होते हैं, कितने साइड डिस्टेंसेस होते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। फिर उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।